नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्योकेयर टिप्स पे। दोस्तों, कई दिनों से मुझसे साइडोनिया वल्गरिस होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके बारे में लोग कई सवाल पूछे हैं कि साइडोनिया वल्गरिस का क्या यूजेस है होम्योपैथी में, किस तरह की मेडिसिन है ये और किन किन चीजों में हम लोग इसे अपना यूज में ले सकते हैं। तो लोग एक ब्रीफ आइडिया पाना चाहते हैं इस दवा के बारे में। तो आज आपको साइडोनिया वल्गरिस से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि ये किस तरह की मेडिसिन है और किन किन कंडीशन में हम लोग इसे अपना यूज ले सकते हैं। तो एक कंप्लीट आइडिया आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो से, ताकि आज की बात आपको साइडोनिया वल्गरिस से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइडोनिया वल्गरिस एक प्लांट किंगडम की दवा है, जिसे क्वींस नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्लांट मोस्टली ठंडी देशों में ही पाई जाती है, जहां टेम्परेचर सामान्य तापमात्रा से काफी कम हो। और ये साइडोनिया वल्गरिस की फैमिली रोजिया है, और ये रोजिया फैमिली में सेव और नाशपाती जैसा फल भी आता है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही है साइडोनिया वल्गरिस का फल। इसी को एक्सट्रैक्ट करके इसका मदर टिंचर बनाई जाती है, और उसी मदर टिंचर को बाद में डायनामाइजेशन करके इसका 30 CH 200 CH जो डाइल्यूशन वाली मेडिसिन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है। और अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में इस दवा को किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है। तो खास तौर से मेल सेक्सुअल कंप्लेंट में इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। और जिन लोगों का माइक्रो पेनिस की शिकायत होता है, यानी लिंग का लंबाई और मोटाई को लेकर जो लोग परेशान है, अनसेटिस्फाइड है, तो कहने का मतलब जिन लोगों का लिंग का साइज नॉर्मल है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति का हाइट के अकॉर्डिंग उसकी लिंग का साइज होना चाहिए आफ्टर इरेक्शन, अगर वो अगर किसी में कम है, तो इस दवा का मदद से, साथ में एक दो और दवाओं का मदद से लिंग का साइज को नॉर्मल किया जा सकता है जिन लोगों का एबनॉर्मल है। अब आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे ये सवाल भी करेंगे कि सर, हमारा लिंग का साइज नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की एवरेज साइज जो है वो है 4.5 इंच से 5 इंच तक का आफ्टर इरेक्शन के बाद होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। सपोज मान लीजिए कि किसी का अगर हाइट अगर है 5 फीट 5 इंच, तो उसका लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन मिनिमम 4 इंच तक होना चाहिए। और अगर आपका साइज अगर आफ्टर इरेक्शन अगर 4 इंच तक आ रहा है, तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए आप जो है ना घबराए और ना ही किसी के पास जाए ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच है और अगर आपका लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन अगर 3.5 इंच तक आ रहा है, तो फिर ये जो है एक मेडिकल कंडीशन है। इसके लिए आप बिल्कुल ट्रीटमेंट ले, आपको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा होम्योपैथी से। अब दोस्तों, आप लोगों का माइंड में और एक सवाल भी आ रहा होगा कि सर, साइडोनिया वल्गरिस के साथ हमें कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, उस मेडिसिन का नाम आप हमें क्यों नहीं बता देते हैं, ताकि हम भी उस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सके साइडोनिया वल्गरिस के साथ। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं पहले भी बहुत बार दे चुका हूं, फिर और एक बार दे देता हूं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो प्रिंसिपल है वो एलोपैथी जैसा नहीं है। यहाँ एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या के लिए अलग अलग मेडिसिन अलग अलग लोगों को देना पड़ता है। हो सकता है आपका और मेरा प्रॉब्लम सेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि जिस दवा से आपको आराम मिल रहा है, उसी दवा से मुझे भी आराम मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हो सकता है आपका और मेरा प्रॉब्लम सेम हो, लेकिन आप और मैं एक इंसान तो नहीं है ना। हम लोग अलग अलग इंसान है। आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने वालों में से हो, लेकिन मैं इंडियन कल्चर को फॉलो करता हूँ। आपका रंग गोरा है, बट मेरा रंग सावला है। आपको ठंडी चीजें पसंद है, लेकिन मुझे गर्म चीजें पसंद है। ऐसी और भी ढेरों चीजें हैं जो कि केस टेकिंग के दौरान जाना जाता है, फिर उसको रेपर्टराइज किया जाता है, फिर उसके बाद जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकलता है वो वाली मेडिसिन पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो सिर्फ इस कंडीशन में आपको साइडोनिया वल्गरिस को इस तरह से यूज करना होता है। बाकी जो कंडीशन जो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं, उस केस में आप इस दवा को ऐसे ही ले सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको जो इस दवा को ऐसे ही यूज करना होगा दोस्तों। और अब आगे बात करते हैं कि अगर किसी को प्रोस्टेट में कोई अगर इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कंडीशन को मेडिकल टर्म पर प्रोस्टाइटिस कहते हैं, या BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जहां प्रोस्टेट का साइज पेशेंट का बढ़ चुका होता है यानी एनलार्ज्ड हो चुका होता है, जिसके कारण पेशेंट को यूरिन पास आउट के लिए बार बार जाना पड़ता है और पेशाब में जलन दर्द भी होता है, तो इस तरह की सभी प्रोस्टेट से जुड़ी कंडीशन में हम लोग जो है साइडोनिया वल्गरिस को बिल्कुल अपना यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस दवा का असर खासतौर से मेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पर
ही देखने को मिलता है। अब चाहे पेशेंट को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा हो या फिर किसी प्रकार का रेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा हो जहां लिंग में प्रॉपर तनाव नहीं आ रहा है पेशेंट को, या नाइटफॉल का शिकायत हो रहा हो, या फिर प्रोस्टेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो पेशेंट को जिसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन पास आउट के लिए जाना पड़ता है, पेशाब जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसके अलावा पेशेंट का यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा दर्द और जलन भी देखने को मिलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया हो, एनलार्ज हो गया हो, या फिर वहां कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस तरह की सभी कंडीशंस में हम लोग जो है बखूबी साइडोनिया वल्गरिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगर डोजेस की बात करें तो मैं साइडोनिया वल्गरिस का मदर टिंचर को ही ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो साइडोनिया वल्गरिस का मदर टिंचर का 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी में मिलाकर ले लेना चाहिए दोस्तों। और कम से कम आपको इस तरह से इस दवा को 5 से 6 महीना तक यूज करना होगा ताकि इस दवा का आपको 100% और बढ़िया रिजल्ट मिल सके। और मैं मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो इस दवा का बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला है जहां पुरुषों की सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें साइडोनिया वल्गरिस को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। आप लोग जो है एग्नस कैस्टस, कैलाडियम और सिलेनियम जैसे डीप एक्टिंग ड्रग को ऐसे ही किसी का वीडियो देखकर ले लेते हो। कुछ लोगों में हो सकता है कि ड्यू टू पेलिएशन पेशेंट को कुछ दिनों के लिए रिलीफ जरूर मिल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों में इस तरह से सेल्फ मेडिसिन करने के कारण से मेडिसिन का सिम्टम्स डेवलप होने लगता है पेशेंट का शरीर में। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग इतना डीप एक्टिंग रेमेडी को जो है खुद से बिल्कुल ना ले दोस्तों। और अगर आप खुद से कोई दवा ले भी रहे हो तो साइडोनिया वल्गरिस जैसी मेडिसिन को ले जो कि उतना डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है, बट फिर भी इसका बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है मेल प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्योकेयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।